डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। बीमारियां क्या होती हैं अलग अलग? सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है वैसे, यदि हम डेफिनेशन देखें तो जो भी हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, और वो ब्लड प्रेशर वाल्स के ऊपर लगता है, और जो वाल पे लगने वाले ब्लड के प्रेशर को ही ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और ये हाई भी हो जाता है लो भी हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर को हाई परटेंशन बोलते हैं। तो ये कब होता है? ही रिपीटेड चेक ऑफ द ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज 140/90। तो वैसे तो जो बीपी है वो कितना होना चाहिए, 120/80 मिलीमीटर मरकरी बोलते हैं उसको, इतना होना चाहिए 120/80, लेकिन यहाँ पे 140/90 है। तो एक प्रेशर है सिस्टोलिक प्रेशर होता है ऊपर, और नीचे डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 120 तक जाना चाहिए, कम से कम वो 80 तक रहना चाहिए। और लेकिन यदि हम लगातार चेक करें पर्सन का बीपी, और वो बार बार 140 100 140 और 90 के बीच में आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या है, वो हायर बीपी माना जाता है उसका, मतलब हाइपरटेंशन का शिकार है वो पर्सन। हाइपर ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिजीज। और यदि बीपी ज़्यादा है तो हार्ट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, और जिसकी वजह से साथ में हार्ट के पास, हार्ट में तो डिजीज आएंगी, साथ में जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है जैसे ब्रेन है, किडनी है, उन ऑर्गन्स को भी वो इफेक्ट करना शुरू कर देता है। कोरोनरी हार्ट आर्टरी डिजीज, सीए डिजीज को बोलते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम है एथेरोस्क्लेरोसिस। तो इसमें क्या होता है, इफेक्ट द वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स। जो स्पेशली हार्ट जब अपनी खुद की मसल्स को सप्लाई करता है ब्लड, उन मसल्स के अंदर, उन मतलब मसल्स को सप्लाई करने वाली जो वेसल्स हैं वो यहाँ पे डैमेज हो जाती हैं, कॉज्ड बाय डिपॉजिट्स ऑफ द कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइबरस टिश्यू, विच मेक्स ल्यूमन ऑफ द आर्टरीज नैरोअर। तो जो ये आर्टरीज होती हैं कोरोनरी आर्टरीज, इनकी उसमें आर्टरीज के अंदर जो ये सब्सटेंस इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, फैट है, कैल्शियम है, जिसकी वजह से उनका जो डायमीटर है वो कम हो जाता है, उनका ल्यूमन, उनका जो इंटरनल कैविटी है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट को एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ता है। एजाइना क्या होता है? एजिना पेक्टोरिस भी बोलते हैं इसको, एजिना या एंगिना। सिम्टम्स ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन अपियर्स व्हेन नो एनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग इन द हार्ट मसल्स। तो इसमें जो चेस्ट है उसमें दर्द रहता है, और वो किस चीज़ की वजह से, जब प्रॉपर ऑक्सीजन है वो हार्ट मसल्स में नहीं पहुंच पाती। तो हार्ट में, हार्ट कहाँ, चेस्ट में, या चेस्ट में जो पेन होता है किसकी वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, हार्ट फेलियर। तो ये क्या कंडीशन है, इसके अंदर स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली एनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी। इसके अंदर क्या है, हार्ट है वो ठीक ढंग से पंप नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और इसको कई बार कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं, क्योंकि जो कॉन्जेशन ऑफ लंग्स, कॉन्जेशन का मतलब होता है जो लंग्स हैं वो भरे रहते हैं एयर की वजह से, लेकिन वो आगे सप्लाई नहीं हो पाती है। तो हालांकि वहाँ पे तो पूरी ऑक्सीजन वगैरह सही ढंग से जाती है, लेकिन आगे नहीं पहुंच पाती है, इसी की वजह से जो कॉन्जेशन ऑफ लंग्स हैं, मतलब लंग्स का भरे रहना ऑक्सीजन से या फिर एयर से, वो इसका सिम्टम होता है और हार्ट फेलियर का। जबकि जो नेक्स्ट है वो है कार्डिक अरेस्ट। इसके अंदर क्या है, जो हार्ट है वो जकड़ जाता है, और जब हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, मतलब हार्ट धड़कना बंद कर देता है, और हार्ट अटैक भी बोलते हैं इसको, व्हेन हार्ट मसल्स इज सडनली डैमेज्ड, जब हार्ट मसल्स हैं एकदम से डैमेज हो जाती हैं, और बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, जब उसकी खुद की मसल्स के अंदर जो सडन से सप्लाई नहीं हो पाती है ऑक्सीजन की, मतलब, और उसकी वजह से क्या है, वहाँ पे एनर्जी नहीं पहुँचेगी, एनर्जी नहीं पहुँचेगी तो एटीपी नहीं बनेंगे, और एटीपी नहीं बनेंगे तो वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल है वो क्रिएट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो हार्ट है वो एक ही कंडीशन में रह जाता है, वो धड़कना बंद कर देता है। तो उसी को हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं।